आमजन की सुविधा के लिए नगर निगम और जेडीए करोड़ों रुपए से पार्क तो विकसित कर देते हैं, लेकिन ना उनमें सुविधाओं पर ध्यान दिया जाता है, न ही उनकी नियमित देखभाल होती है। इस बदहाली में पार्क उजड़ने की कगार पर है। यहाँ दो पल ठहरने को आने वाली जनता को एक पल की छांव भी नहीं मिल रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अनदेखी के चलते बदहाल हुए पार्क, पार्किंग में तब्दील हुए राजधानी के पार्क, पार्क में नहीं है खेलने बैठने की सुविधाएं, उजड़ते पार्क में जाने से कतराती है जनता, जगह जगह लगा है गंदगी का अंबार, हादसों को न्योता दे रहे बिजली के खुले तार, जिम्मेदार नहीं ले रहे सुध। गर्मी के मौसम में लोग धूप से बचाव के लिए छांव तलाशते हैं और जबरवासियों के लिए पार्कों का एक बड़ा आश्रय रहता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे राजधानी के उन पार्कों की बदहाली स्थिति, जिसको लेकर जिम्मेदार भी अपनी आंख के मूंद रखी है। पार्कों के विकास के लिए नगर निगम हर साल करोड़ों रुपए का बजट खर्च करता है, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के चलते राजधानी में सैकड़ों पार्कों के हालात खस्ता है। इनकी बदहाली की कहानी ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही है। शहर के कई पार्कों में विकास के नाम पर सिर्फ चार दीवारी ही नजर आती है। कई पार्कों में तो झूले और वॉकवे भी टूटे फूटे हैं, तो कई पार्क पार्किंग में तब्दील हो गए हैं। पार्क को ठीक कराने के लिए जनता की शिकायतों पर अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अब सवाल ये है कि जो बजट पार्कों के विकास के लिए मिलता है, आखिर वो जाता कहाँ है? इसकी हालत इतनी दयनीय है कि कोई सुनने वाला नहीं है। दीवारें 400 महीने से फूटी पड़ी हैं, उसके अंदर से पशु अंदर जाते हैं आते हैं, बिजली के तार खुले पड़े हैं, बच्चों के करंट लगे तो मरता है। बिजली यहाँ पर ऐसा पार्क है कि मिलेगा विद्यानगर में जिसके अंदर बिजली नहीं है। रात को बेचारा कोई आ नहीं सकता, सांप है, जानवर है, वो घूमते रहते हैं, कोई रात को नहीं आ सकता। इसके लिए हमने बहुत निवेदन कर लिया। अब अगर हम बात करें विकास समितियों की, तो कई क्षेत्रों में पार्क की देखभाल का जिम्मा समितियों को दिया जाता है। ये समितियां स्थानीय लोगों से पैसा इकट्ठा कर पार्कों के विकास में लगाती हैं, जहां बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को बैठने और खेलने की बढ़िया सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। हमने इस जगह को, खाली जगह पड़ी थी जिसमें बहुत गंदगी थी, हमने इस जगह को साफ सुथरा करके और इसमें पेड़ लगवाए, टैंकरों से पानी दिया, ट्रैक बनवाया और अपनी विकास समिति के खर्चे से ये रेलिंग वगैरह, कुर्सियां वगैरह जो भी हमने किया, सारा विकास समिति की तरफ से हमने किया है। लेटरिन बाथरूम बनवाए और विकास समिति का जो पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे से हमने महीने के महीने ये काम करते हैं। पेड़ पौधे भी विकास समिति के खर्चे से लेके आए हैं। पानी की बोरिंग यहाँ नहीं है, टैंकरों से पानी हमने डलवाया है। साथ में एक मंदिर है, उससे हम पानी लेके आते हैं। ऐसे काफ़ी प्रयास करने के बाद आज ये पार्क हरा भरा सुहाना पार्क आपको दिखाई दे रहा है। पार्कों के खस्ता हालत को लेकर जब A1 टीवी ने महापौर से बात की, तो उन्होंने कहा कि मामला सामने आया है, ऐसे पार्क की जानकारी लेकर जांच कराई जाएगी। सब गार्डनों में जितने जिस समय में डेवलप हुए हैं, सब पार्कों में पेड़ पौधे हैं, जितनी छाया सुन अब जिसमें मैं इसकी पूरी निरीक्षण करा लूँगा, दिखवा लूँगा और इसमें जो भी जो कमी होगी उस कमी को पूर्ति करा देंगे। और उसी की जो आप कह रहे हो, तो वो पूरे जयपुर शहर के इस पर सर्वे करा लेते हैं, जितने भी पार्कों में अव्यवस्था होगी उसको सुचारू करा देंगे। जैसा कि आपने देखा कि राजधानी के पार्कों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन जब भी कोई नया जनप्रतिनिधि आता है तो लोगों की आस यही रखती है कि इस बार तो जनसमस्याओं का समाधान हो पाएगा, लेकिन जब इन जनसमस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है तो लोगों की आस धूमिल हो जाती है। कैमरा पर्सन निमेजन पाचाल के साथ सुरेंद्र बिजारनिया, A1 TV, जयपुर।